अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सुकूट स्टॉक शो में आप सबका खैर मकदम। मैं आपका दोस्त डॉक्टर रियाज वीरी, और आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे हुसनपुरा बाग की। हुसनपुरा बाग जो है आरवनी का साइड में एक गांव है, ये बिजबिहारा से लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी पे वाका है। और इस गांव की मैं अगर बात करें तो इस गांव में इतने सारे मैदान है कि इंसान थकता है इन पे चलते चलते, इन पे घूमते घूमते, और इतनी सारी सरसब्ज ये मैदान है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करना चाहूंगा, थोड़ा सा वो आपको इस ग्राउंड का नजारा दिखाए कि किस तरह का ये ग्राउंड है। इस साइड में भी दो चार ग्राउंड है, ये शायद खेलने के लिए लोग यहाँ पे कम है लेकिन ग्राउंड ज्यादा है इस गांव में। तो इस वक्त इस ग्राउंड में एक टूर्नामेंट भी चल रहा है, और उस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर साहब भी मेरे साथ है। तो सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। मुदस्सिर अहमद है। तो मुदस्सिर साहब, आप यहाँ पे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कितने टाइम से आप यहाँ पे कर रहे हैं? हम कर रहे हैं सर पिछले एक महीने से जी। ये 64 टीम्स का टूर्नामेंट है सर। जी 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 सर। तो मैं इस ग्राउंड की अगर बात करूं तो ये ग्राउंड कब बना है, क्या ये ग्राउंड स्टेट लैंड है, किसी की है, मतलब पर्सनल जायदाद है या गवर्नमेंट लैंड है? ये सर सुनने में आया है जो हमारे आबाओ अजदाद है ना सर, ये उन्होंने अपनी अपनी जमीनें यहाँ पे छोड़ी है। अच्छा। थोड़ी छोड़ी है लोगों, हाँ, सर, के लिए। लोगों के लिए हम ये पाल जानवरों के लिए, ये सर गाय वाय है उनको चराने के लिए, और हमको छोटे छोटे बच्चों को यहाँ हम अक्सर यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं, हमारे लिए यहाँ पे छोड़ा है सर। जी सर। तो यहाँ पर और एक ऑर्गेनाइजर साहब, मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। यस सर। तो यासिर साहब, आपसे जानना चाहूंगा, आप यहाँ पे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज, तो किस तरह की दिक्कतें यहाँ पे आती है टूर्नामेंट, क्या क्या आपको लग रहा है इस ग्राउंड में डेवलपमेंट की कमी है? इस ग्राउंड में सर फेंसिंग की कमी है, यहाँ पर पानी है, साइडों में जब बाल वहाँ जाती है तो गेंद खराब हो जाती है, इसलिए इसको फेंसिंग करनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा टीमें यहाँ आ सके। बिल्कुल। तो आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपने कभी गवर्नमेंट को अप्रोच किया है इस सिलसिले में, इस ग्राउंड की डेवलपमेंट के लिए? नहीं। तो क्या वजह रही कि आप आज तक नहीं गए? अगर इतना खूबसूरत ग्राउंड है, ये हमवार ग्राउंड है, इसमें ग्रास मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी ऐसा, बहुत कम ग्राउंड है हमारे कश्मीर में, लेकिन फिर भी आपको जाना चाहिए था गवर्नमेंट के पास। जी क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जी सर, अब हमने कभी गवर्नमेंट से अपील नहीं किया है इस ग्राउंड का फेंसिंग करेंगे या और कुछ करेंगे सर, इसलिए हम जब आप चाहोगे सर हम आपसे बात करेंगे, आप किसी और सर से बात करेंगे, इसको थोड़ा फेंसिंग करेंगे सर, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह फेंसिंग करेंगे। तो मेरी सजेशन आप सबके लिए यही है, जो हमारा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है आप उनके पास भी जाए, वो भी इसकी डेवलपमेंट के लिए काम कर सकते, आप स्पोर्ट्स काउंसिल के पास जा सकते हैं, आप यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के पास जा सकते हो, तो जो इस ग्राउंड को इवन आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास जा सकते हैं, क्योंकि अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ईगर है इन चीज़ों को डेवलप करने के लिए, तो वहाँ पर आप जा सकते हैं, इस ग्राउंड को आप डेवलपमेंट के लिए काम कर सकते हो। तो मेरे साथ है स्पोर्ट्स एनालिस्ट मोहतरम बशीर अहमद सलरू साहब हैं, जो दाऊद सपोर्ट्स बिजबिहारा के चेयरपर्सन है, इनसे भी जानना चाहूंगा। सर, इतना खूबसूरत ग्राउंड, मैं पहली बार इस ग्राउंड में आया हूं और बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड है, आज तक ये ग्राउंड उतना डेवलप क्यों नहीं हुआ, क्यों यहां पे इस तरह के टूर्नामेंट्स नहीं हुए, हालांकि आप इसी एरिया से बिलोंग करते हैं? दरअसल बात यह है कि ये थोड़ा गांव से अंदर है जी, इस वजह से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती थी, अब सड़क बन गई है। अच्छा। अब सबको पता चला है कि मतलब इतना बढ़िया ग्राउंड कहीं भी जगह नहीं है, खासकर जो ग्रास यहाँ पे वो देखने लायक साउथ कश्मीर में, और इसकी सीनरी भी इतना बड़ा है कि मतलब अब इसको हाईलाइट कर रहे हैं हम। बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा सर, आपसे जानना चाहूंगा, आप डिस्ट्रिक्ट के हर ग्राउंड में जाते हो, सपोर्ट्स मैन से बात करते हो, आप उनकी कोचिंग करते हो, उनको अपनी तरफ से गाइडेंस भी करते हो, अपनी तरफ से जो भी उनको इक्विपमेंट या दूसरी चीजें फराहम करते हैं, तो इस तरह का यहाँ पे माहौल डेवलप हो सकता है या क्या यहाँ पे बड़े बड़े खिलाड़ी आ सकते हैं, क्या तजवीज है आपकी? इंशाल्लाह बड़े बड़े खिलाड़ी आ सकते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ ऑर्गेनाइजर दो, जो यहाँ पे हुसनपुरा में टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हालांकि ये बहुत खूबसूरत ग्राउंड है लेकिन थोड़ा सा इस पे फेंसिंग की कमी है, लेकिन उम्मीद करेंगे जो हमारे आला हुकाम है हमारे इस प्रोग्राम को देखेंगे और ग्राउंड की तरफ मुतवज्जा होंगे, और जितने भी डिस्ट्रिक्ट के बड़े बड़े क्रिकेटर्स है उनसे भी ये गुजारिश है कि आप इस ग्राउंड में आइए, इस ग्राउंड में खेलिए और देखिए यहाँ पे ग्राउंड कितना सही है, कितना हमवार है, कितनी इसमें ग्रीनरी है, और मैं उम्मीद करूंगा जो यहाँ पे हमारे ऑर्गेनाइजर साहब है वो भी यहाँ पे फेयर टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करेंगे, सारे लोगों को बुलाएंगे और इस तरह से ये ग्राउंड डेवलप हो सकता है। फिलहाल हमारे साथ सपोर्ट स्टॉक शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।